हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी और स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या केमिकल। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी और स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या केमिकल रिएक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, ये क्या रहेगा? रेंसिडिटी। और इसमें से ज्यादातर शॉर्ट नोट्स पूछता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? व्हाट इज रेंसिडिटी एंड देयर प्रिवेंशन, सिंपल से। तो इसको हम लोग देखते हैं आराम से, खास बड़ा टॉपिक नहीं है ये, सिंपल सा। जो हमारे जो फूड सब्सटेंस होते हैं, अच्छा इसके नाम से लगता है कि ना रेंसिडिटी मतलब कोई बरसात होगा तो उसमें एसिड आ जाता होगा, ऐसा कुछ सोचता होगा इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास फूड मटेरियल्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों, फैट एंड ऑयल्स होते हैं। इसको आप बहुत लंबे समय तक क्या करोगे, एयर में से छोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, इनके अंदर से जो इनका टेस्ट और जो ऑर्डर होता है कहता है, वो चेंज हो जाता है, रहता है वो चेंज हो जाता है, या फिर उसमें से बदबू आने लगती है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब आप इसको लंबे समय तक छोड़ दोगे उसी में, तो क्या हो जाएगा इसका, ये खराब हो जाएगा। सिंपल मसल है, खराब हो गया तो उसमें से क्या आएगा, बदबू आएगा। बदबू आएगा तो आप उसका यूज करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? तो इसे इसका ये क्या टॉपिक आपका, रेंसिडिटी। अब फूड को कैसे आप बचाओगे? फ्रिज में रख दो, जहां पर एयर जा रहा है वहां पर एयर हटा दो, मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है इसमें ज्यादातर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। क्या होता है इसमें बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, एंटी ऑक्सीडेंट का यूज कर लो। उसके बाद वैक्यूम पैकिंग, मतलब उसमें से पूरा एयर को निकाल के फिर पैकिंग, जैसे कि आप कहते हैं काजू बादाम हो गया, छुहारा हो गया, सब पैकिंग करते हैं ना, उसके लिए करते हैं। उसका होता है क्या, जितने भी उसके अंदर एयर है या ऑक्सीजन है, उसको क्या करो आप, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि आपके वो चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, सब उस क्या रहता है, N2 गैस रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस रहता है। और सिंपल सा आपके घर में क्या होता है बच्चों, फ्रिज होता है, उसमें डाल दो आप अपने खाने के सामान को। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार बना दिया तो पूरा रख ही दिया एक बार में, ऐसा नहीं होता। अब जनरली जो यूज कराता है वो एक से दो दिन में कर ले तो अच्छा रहता है, ज्यादातर एक दिन में करें, खाना तुरंत बनाया खत्म हो जाए वो अच्छी बात होती है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, रेंसिडिटी। तो हमारा पूरा टॉपिक इसमें जितने भी थे केमिकल रिएक्शन अंदर दे टाइप्स में खत्म होते हैं आज। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू बच्चों।